स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी, क्या आप भी इन सब चीजों से ग्रस्त हैं? और क्या आपकी निजी जिंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो शायद आप अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं? हर इंसान आज के दौर में 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, लेकिन आज एक वक्त ऐसा आ चुका है जब हर एक इंसान डिप्रेशन का शिकार है, हर एक इंसान किसी हद तक एंजाइटी से ग्रस्त है, और परिवार में एक सदस्य ऐसा ज़रूर होता है जो बहुत अकेला महसूस करता है और शायद दुनिया से कोसों दूर खुद को बांध कर रखता है। ये कुछ यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स है जिनका शायद आज से 10 साल पहले किसी ने बहुत ज़्यादा नाम नहीं सुना था, लेकिन आज के दौर में जहां 2023 में हम विश्व शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, वहीं एक डाटा ये कहता है कि हिंदुस्तानियों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन देखा जा रहा है, और वो भी सबसे ज़्यादा युवा वर्ग में। अब युवा वर्ग इन सब चीज़ों से ग्रस्त क्यों है? उसके कई मुख्य कारण हैं। फिर चाहे वो करियर प्रॉब्लम्स हो, फिर चाहे वो रिलेशनशिप स्टेटस हो, या फिर फैमिली इश्यूज हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करने से शायद हम कतराते हैं। परिवार में ऐसा माहौल नहीं होता क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग इंडियन सोसाइटीज़ के अंदर ऐसी नहीं है कि हम हर चीज़ खुलकर अपने माता पिता के साथ शेयर करें। लेकिन बाहर अगर आप वेस्टर्न कल्चर की देखेंगे तो वेस्टर्न कल्चर के अंदर ऐसा नहीं है। बहुत यंग एज से ही लोग जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपना कोई भी जो इशू है, कोई छोटी से छोटी परेशानी भी है, तो वो अपने माता पिता के साथ शेयर ज़रूर करते हैं, उसका मिल बैठकर जो है एक सल्यूशन ज़रूर निकालते हैं। आज आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो पर्सनालिटी मौजूद है ये है डॉक्टर अवनीत शर्मा। अवनीत जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं यहाँ पे जम्मू में आया हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ और जम्मू के लोगों को से मुखातिब हुआ हूँ। थैंक यू। अवनीत जी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, ये तीन बहुत अहम बातें कह लीजिए आप, आज के दौर में ये यूनिवर्सल हो चुकी है। यूनिवर्सल मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि अगर आप कोई भी परिवार देख लीजिए, उसमें एक शख्स आपको ऐसा दिखेगा, चाहे आप बच्चा लगा लीजिए, कोई बुजुर्ग लगा लीजिए, जो डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार है। आखिर ऐसा क्यों? मेनली इंडिया के। हाँ, तो ये इनको काफ़ी कॉमन माना जाता है और इंडिया में भी ये काफ़ी रिसर्च के मुताबिक ये काफ़ी कॉमन हो गया है। इंडियन सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस आए हैं पिछले 15-20 साल में। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। लोगों की एस्पिरेशंस काफ़ी बढ़ गई हैं। यंग लोगों में जैसे एकेडमिक प्रेशर्स बड़े ज़्यादा हैं और लोगों में मतलब इतना सोशल सपोर्ट काफ़ी कम हो गया है। पीपल आर वेरी बिजी, लोग काफ़ी बिजी लाइव्स लीड कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं आमतौर पे, तो इसके कारण देर आर लॉट ऑफ स्ट्रेस जिसके कारण लोग एक्सपीरियंस करते हैं व्हाट वी कॉल एज स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स या एंग्जाइटी, लो मूड और लोनली। दे फील लोनली, दे फील अ बिट निगलेक्टेड, रिजेक्टेड और अबंडेंड। मेनली यूथ की अगर हम बात करेंगे, 13-14 साल से लेकर 25 या 30 साल के जो लोग होते हैं उनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? ड्यू टू सोशल मीडिया? सो सोशल मीडिया इज डेफिनेटली एक बड़ा फैक्टर है उसमें। उसकी अलग ही करैक्टरिस्टिक है जो सोशल मीडिया में इंटरेक्शन होता है। लोग आपस में एक ऐसे तरीके से बात करते हैं जो बड़ा हर्टफुल हो सकता है। जैसे सोशल मीडिया में बुलिंग होती है जिसे कहते हैं हम, या हरासमेंट होती है, या पॉलिटिकल व्यू कई बार अलग होता है, दो पार्टीज के बीच में लोग बैठ जाते हैं। हाँ, तो उसमें कन्फ्लिक्ट के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल फेस टू फेस सोशल इंटरेक्शन जिसमें लोग अपने आप को रिस्ट्रेन करके रखते हैं और एक सिविलाइजिंग प्रोसेस होता है, वो उसमें फॉलो नहीं कर पाते।
और ये काफ़ी हिडन प्रॉब्लम है मुझे लगता है, सोशल मीडिया में जो बुलिंग होती है, हरासमेंट होती है। तो व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड द दिस बुलिंग? क्या लगता है आपको कि समाज में एज पर द इंडियन सोसाइटी, जो शायद प्रायर टू द इंडिपेंडेंस हम लोगों को हर चीज़ की अप्रोच हम तक हुई है, तो क्या लगता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज? आई थिंक हमें अगर सोशल मीडिया में जैसे बुलिंग हो रही है, आई थिंक उसके बारे में बात करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सोशल नेटवर्क के साथ, और मे बी यू कैन टेक ए ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया एट टाइम्स, आई थिंक दैट विल हेल्प। इसमें ज़्यादा रेपिटेटिव इसके साइकिल में फंसना नहीं चाहिए आदमी को। आई थिंक पीपल शुड टेक ब्रेक इफ दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग एंड इट इज़ इफ इट इज़ अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, आई थिंक दैट हेल्प्स। आई थिंक पेरेंट्स ऊपर से रिलेशनशिप, जैसे कोई बच्चे की बुलिंग हो रही है सोशल मीडिया में, विच कैन बी ए क्वाइट ए कॉमन थिंग, अगर पेरेंट्स और बच्चे में अच्छा रिलेशनशिप हो और ओपन रिलेशनशिप हो, बच्चा पेरेंट्स के पास जाके बैठ के बात कर सकता है, उससे बड़ी हेल्प मिलती है, उससे गाइडेंस मिलती है। अगर बुलिंग इस नेचर की है कि जिसको ऑलमोस्ट क्राइम माना जाए, तो फिर रेलिवेंट एजेंसीज को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। अवनीत जी, मुझे एक बात बताएं, जैसे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं या हमारे माँ बाप होते हैं या कोई भी कह लीजिए जो परिवार में एक उच्च पद रखता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या आपको लगता है कि समाज में आज एक वो वक्त आ चुका है जब माँ बाप को दोस्त बन जाना चाहिए बच्चे? डेफिनेटली ये हमारे यहाँ भी रिसर्च हुई है और वेस्ट में तो है ही है ये रिसर्च। रिलेशनशिप्स दे मैटर क्वाइट ए बिट, रिलेशनशिप्स स्पेशली पेरेंटल रिलेशनशिप है, जो मदर और चाइल्ड का, फादर और चाइल्ड का, फिर मदर और फादर के बीच का रिलेशनशिप, वो बच्चे की ग्रोथ को, साइकोलॉजिकल ग्रोथ को बड़ा इफेक्ट करता है। और अगर वो रिलेशनशिप स्टेबल हो अर्ली लाइफ से, उससे बच्चे की पर्सनालिटी की जो डेवलपमेंट होती है वो बड़ी एक राउंडेड अप जिसे कहते हैं, बड़ी स्टेबल होती है। उसमें बच्चे को ये फील नहीं होता कि उसमें कोई इंटरनल कमी रह गई है, कोई दोष रह गया है जिसके कारण उसको प्यार नहीं मिला। तो ये बहुत अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ और फैमिली की का एनवायरनमेंट कैसा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एक बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है, जो टिपिकल इंडियन सिस्टम है, जो टिपिकल इंडियन फैमिलीज होती हैं, उनमें ये डिप्रेशन एंजाइटी बच्चों के अंदर ज़्यादा आ जाती है, जहाँ पर एक पुरुष प्रधान या फिर एक महिला प्रधान हो और पूरे घर को वो चलाता हो और शायद दूसरों का प्रेजेंस या ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता हो, और शायद उस पर्टिकुलर इंसान का जो घर में एक इन्फ्लुएंस रखता है, पूरे घर को संभालता है, वो अपनी चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस या फिर उसका जो ओपिनियन होता है वही जो है सर्वोच्च होता है, तो शायद ऐसी फैमिलीज में डिप्रेशन एंजाइटी डेफिनेटली बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ता है। बच्चे को कैपेसिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिकम इंडिपेंडेंट वो कॉम्प्रोमाइज होती है। फिर हम देखते हैं जब बच्चा एडल्ट लाइफ की तरफ ट्रांजिशन करता है, जहाँ पे उससे उम्मीद रखी जाती है कि वो एक अडल्ट रोल में ज़्यादा इंडिपेंडेंस तरीके से जिए, वो वहाँ स्ट्रगल करता है। वो इसलिए स्ट्रगल करता है क्योंकि बचपन से ही उसके फ्रीडम टू थिंक एंड टेक डिसीजंस एंड टू मेक मिस्टेक्स एंड देन लर्न फ्रॉम देम, दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, दैट हैड बीन टेम्पर्ड, यू कैन सी, है ना। तो अब मुझे बताएं कि आज हम यहाँ पर आए हैं तो क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का? सबसे बड़ा सोल्यूशन, सबसे पहला सोल्यूशन क्या है? यस, कम्युनिकेशन बिटवीन फैमिलीज, स्पेशली द टेम्पलेट जो है अडल्ट लाइफ का, वो बचपन से शुरू हो जाता है। बच्चे और पेरेंट्स का क्या रिलेशनशिप है और पेरेंट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो उससे शुरू हो जाता है। कम्युनिकेट करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना एक अच्छे तरीके से, नॉट कि गुस्से और नेगेटिव इमोशन से, और अपने आप को लर्न करना काम कैसे रहा जाए, शांत कैसे रहा जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे कि हम आपके बारे में जानते हैं, यू आर वेरी सीनियर साइकेट्रिस्ट, आप क्या ऑफर करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को? मैंने जम्मू में काम किया, उसके बाद मैं अभी आजकल इंग्लैंड में हूँ नेशनल हेल्थ सर्विस में। मैं पिछले 18-20 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं चाहता हूँ जो मैंने वहाँ सीखा है मैं वो शेयर करूँ
यहाँ के लोगों के साथ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक प्रैक्टिस सेटअप करने की जहाँ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकूँ जम्मू के लोगों के लिए, तो हम उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ कंसल्टेशंस आप दे सकते हैं? हाँ हाँ, डेफिनेटली ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हैं, और यहाँ से वो जूम के थ्रू हो सकती है या व्हाट्सएप के थ्रू हो सकती है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, सोशल मीडिया का। हाँ जी, और उससे एक डिटेल्ड असेसमेंट आई कैन ऑफर, तो उसके हिसाब से आगे मैं एडवाइस कर सकता हूँ कि क्या चीज़ कहाँ पे हेल्प करेगी। सो हेयर इट इज़, द सन ऑफ सॉइल हैज़ कम टू द रेस्क्यू ऑफ जमुटीज। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अवनीत शर्मा किस तरीके से बता रहे हैं कि वो एक कंसल्टेशन सेशन जो है आपके साथ कर सकते हैं, जो इश्यूज के ऊपर आप शायद समाज में कहीं बात नहीं करना चाहते हैं, बी इट योर रिलेशनशिप स्टेटस और कंडीशंस और सिचुएशन, बी इट योर करियर प्रॉब्लम्स, बी इट योर फैमिली मैटर, समथिंग जो आपको लंबे अरसे से ट्रिगर कर रही है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर यू आर इन सम काइंड ऑफ ट्रॉमा, तो आपको डॉक्टर अवनीत शर्मा को अप्रोच करना है। मैं आपको बता दूं, बहुत ही असेसेबल रहेंगे ये और हाईली अप्रोचेबल हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सार्वजनिक करेंगे, वो आप तक पहुंचाएंगे, कैप्शंस में दे देंगे। आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बता सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि किसी भी तरीके से अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो डायरेक्ट आप इनको जो है कॉन्टैक्ट करें, और उसके बाद एक कंसल्टेशन जो है आप इनसे ले सकते हैं। और आपको बता दें कि ये कंसल्टेशन जो रहने वाली है ये नीडफुल है, और नीडी जो लोग हैं उनके लिए रहने वाली है, यानी कि जो लोग सोचते हैं शायद हम अपना इलाज नहीं करा सकते क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये एक सेवा है और सेवा भाव के साथ की जा रही है, और जो लोग नहीं दे सकते हैं या पे नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगी, तो आपको ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और डॉक्टर अवनीत शर्मा के साथ इसी टाइप की इंटरव्यूज़ और लाइव सेशंस हम दोबारा ज़रूर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए द टाइपराइटर।